आज हम पिंक कलर की पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 5 इंच ली गई है। सभी पटिया साड़ी की ली गई है। पिंक कलर की पट्टी का एक हिस्सा लेते हैं और 3 उंगलियों पर 2 राउंड लगाते हैं। और दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं। और सेफ्टी पिन की सहायता से 3 उंगलियों पर नोट लगाते हुए एक रिंग की उठाई कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार। इस प्रकार से एक रिंग बना लेते हैं और रिंग को उंगलियों से बाहर निकाल कर उंगलियों की सहायता से सीधा कर लेते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। इसको फंदे बोलते हैं, इसको लूप भी बोलते हैं। इसके अंतर से ही साड़ी की पट्टियां निकालते हैं डोरमेट बनाने के लिए। सर्वप्रथम रिंग के पीछे से फंदे में पट्टी को निकालते हैं और उस फंदे पर एक उंगली रखते हैं। फर्स्ट लूप बना ली है, उसी पर एक लूप और बनाएंगे। उंगली पर 2 राउंड लगाते हैं और रिंग के पीछे से नेक्स्ट फंदे में पीछे से पट्टी को निकालते हैं, लूप को क्लोज कर देते हैं। अगले फंदे पर उंगली रखते हैं और पट्टी को 2 बार निकालते हैं और नेक्स्ट फंदे में पीछे से रिंग के पीछे से पट्टी निकालते हैं। इसी प्रकार पूरे राउंड में यह प्रक्रिया करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार। रिंग के पीछे से नेक्स्ट फंदे में नीचे से पट्टी को निकालते हैं और नीचे से पट्टी क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट फंदे पर उंगली रखते हैं और 2 राउंड लगाते हैं पट्टी के और नेक्स्ट फंदे में नीचे से निकालते हैं और पट्टी को क्लोज कर देते हैं। इस प्रकार सभी लूपे बना लेते हैं। सभी लूपे बनकर तैयार हो जाती है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। पट्टी को पीछे की ओर करते हैं, रिंग के पीछे ले जाते हैं और 2 लूप के अंदर से निकालते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार सभी लूपों के अंदर से निकालते हुए लूपों को क्लोज कर रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार सभी लूपों के अंदर से पट्टी को निकालते हुए
पट्टी की खिंचाई लूज रूप में करनी है, टाइट रूप में नहीं करनी है। इस प्रकार से हमारी रिंग बनकर तैयार हो जाती है। पीछे विषम डिजाइन बनती है।